लायन और शेर एक ही घाट पर, लेकिन ये असली नहीं हनूतकारी के जरिए बनाए गए हैं। ये जंगली बिल्ली भी कारीगरों की महारत का नमूना है। इसमें तो ये आर्सेनिक भी लगता है, फिटकरी भी लगती है, नमक भी लगता है इसके अंदर, फार्मेलिन डिहाइड वो लगती है इसके अंदर, जो इंजेक्शन सुखाते ड्राई करते वो लगता है इसके अंदर। और बड़ा जानवर जो बनाते हैं हिरन विरन फाइबर का जो बनाते हैं वो 20-25 साल चल जाते हैं आराम से। नायाब तोते, मोर, कबूतर, मुर्गाबी, चील, उल्लू, बकरे और दीगर जानवर हनूत कराए जाते हैं। मखसूस केमिकल से मुर्दा जानवरों के जिस्म की धुलाई और फिर पेट चाक करके इसमें भराई की जाती है। कम से कम लागत 200 और ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए आती है। बास जानवरों की हनूतकारी में कई कई दिन भी लग जाते हैं। कबूतर, तोते, चुड़िया, जो गर्मियां पड़ने जो मर जाते हैं जानवर, वो मकसद ले आते हैं, ये बना दो हमारा, गर्मी की वजह से मर जाते हैं। जैसा भी मोरों की बीमारी आई हुई है, वो मोर जो है मरना शुरू हो गए। नदीम ने भी ये तोता नाज नखरों से पाला था। इसके मरने के बाद भी जुदाई गवारा ना हुई तो इसे हनूत करा दिया। बच्चों को इसे उनसे बहुत ज्यादा थी, हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था ये तोता, इस वजह से हमने इसको दोबारा इसको प्रिजर्व करवा लिया है। सर्दी का मौसम हनूतकारी के लिए मुफीद समझा जाता है। कारीगर कहते हैं हनूत शुदा जानवर की देखभाल भी एक अहम मरला है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, यही वजह है कि शौकीन अफराद अपने मर जाने वाले जानवर और परिंदों को हनूतकारी के जरिए महफूज बना लेते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ गयासुद्दीन, समा, कराची।